जो एक सवाल पूछा गया था इस्लाम मकशेफ से आफ्टर हिज फाइट विद वकलॉस वो ये था कि कौन है नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट उनकी लिस्ट में जिससे वो फाइट करना चाहते हैं या करना चाहेंगे और उन्हें कुछ खास कहा नहीं उन्होंने कहा रियल कंटेंडर आई वॉन्ट रियल चैलेंज चूंकि स्मार्ट है क्यों अपनी विन के बाद किसी और का नाम लेके उसके भाव बढ़ाया जाए जो कुछ फाइट्स बुक हुई हैं हाल ही में इन हिज डिविजन लेट्स वो कौन सी फाइट्स हैं वी हैव ऑब्वियसली कॉनर मगरेगर वर्सेज माइकल चैंडलर ये फाइट कंफर्म हो गई है बट दी इज नो फिक्स डेट और अगर हम रूल माने छः महीने का जो कि है उस आडा का कि छः महीने एटलीस्ट रहना पड़ेगा कॉर्नर को इन ड्रग टेस्टिंग पूल तो ये फाइट नहीं होनी चाहिए मेरे साथ सप्टेम्बर अक्टूबर से पहले तो ये बहुत दूर की बात है जो एक और बड़ी फाइट जो कि होने वाली है उससे बहुत पहले और बहुत जल्द वो है गेची ची फिजीव यू एस सी टू एटी सिक्स मार्च उन्नीस को ये फाइट बहुत पास है और यहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस एक शॉकिंग परफॉर्मेंस एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हो सकता है कि यहाँ से एक नया निकल के आए कंटेंटर हाँ फैंस कहेंगे कि गेची को मिलना चांस फॉर द बेल्ट तीसरी बार क्या सेंस बनता है बट वो अलग फाइटर थे वो अलग चैम्पियन थे उस टाइम पे हबीब ओलोवेरा अलग टाइम अलग चैम्पियन सो so यस yes, बहुत कम ऐसा होता है बट आई बी सरप्राइज कि ऐसा हो अगर गेची फाइट जीतते हैं तो फिजिक अगर जीतते हैं तो क्या वो नेक्स्ट होंगे बहुत मुश्किल है कहना बट पॉसिबल पॉसिबल फॉर श्योर जो दो बड़े नाम इस लिस्ट में वो है मेरे पास वो है पोिए और दरियुश ना पोिए जस्ट लाइक गेची फ़ाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए दो बार अगेंस्ट हबीब एंड अगेंस्ट ओलिवेरा और, अगेंस और दरियुश को अब तक चांस नहीं मिला है सो so, अगर एज ए फैन मैं सोचूं तो आई विल फील कि यार दरियुश को मौका मिलना चाहिए बिकॉज़ कभी भी उन्होंने अब तक एक बार भी फाइट नहीं की है बेल्ट के लिए और शायद उन्हें चांस मिले भी लेकिन जो अब तक न्यूज़ साफ़ नहीं है वो ये कि क्या इन दोनों की फ़ाइट यानी कि गेची पोिए वर्सेज़ दरियुश फ़ाइट क्या ये ट्राई हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यस इस पर बात चल रही थी लेकिन पोरी को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ये होता है इन नो टेक्टिक्स कई बार की इन नो अच्छा पैसा ले लेने के लिए या कुछ इन एक माहौल बनाने के लिए बट अगर ये फ़ाइट बुक हो जाती है देन यस दे इज़ नो क्लियर नेम कि कौन फाइट करेगा इस टाइम पे आज के दिन में कोई साफ नाम नहीं कि कौन फ़ाइट करेगा बेल्ट के लिए बट अगर ये फाइट नहीं बुक नहीं हो रही है मोस्ट प्रोबेबली दर कुड बी नेक्स्ट और ऐसा इसलिए बिकॉज अब तो कोई फाइट बुक नहीं है विद विद्यूश एंड पोरी फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी अगेंस्ट हबीब एंड ऑलोवेरा बोथ ग्रैपलर्स आई विल बी सरप्राइज कि पोरी ये इतनी जल्दी ये अगर उनको मौका मिलेगा भी तो आई एम नॉट श्योर कि वो ये फाइट जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ऐसा इसलिए बिकॉज इट्स द सेम फाइट द सेम फाइट ही इज ए बॉक्सर ही इज ए स्ट्राइकर अगेंस्ट ए वर्ल्ड क्लास ग्रैपलर लेकिन जैसे मैंने बात कही अभी मैंने सोचा सोचा जो फाइट हुई अभी इस्लाम की अगेंस्ट वर्कन की उसके बाद बहुत सारे फाइटर्स का एक एक जो थिंकिंग है कि हे hey, इस्लाम मकत चेफ इज़ अनडिफिटेड ही कैन बीट एनी वो शायद बदल जाएगा ना मैंने से अनडिफिटेड मीन्स यू नो लंबी मिनसरी का ऑबियसली एक लॉस है मकदचेफ के पास सो so, क्या लोगों का माइंड बदलेगा अभी इस फाइट के बाद कि यस इस्लाम इज़ बीटेबल, बिकॉज़ इस्लाम को हम मेरे हिसाब से सब लोग ये सोच रहे थे कि हर फाइट में जस्ट लाइक हबीब इस्लाम विल डोमिनेट एंड विल बीट एनी वन एंड एवरी वन लास्ट फाइट अगेंस्ट रोकना लगा शायद कि हाँ चांस है होप है इस फाइटर के अगेंस्ट अगर कुछ ढंग से प्लान किया जाए तो सो आई एम नॉट श्योर इस टाइम पर कॉन नेक्स्ट है मुझे गेस्ट करना होता मे बी बनील देश या फिर अगर वहाँ पर कुछ अड़चने हैं वॉट एवर फॉर सम रीज़न तो मे बी पोरिए बट येस बनील इज़ द फर्स्ट चॉइस चूंकि वो अब तक अवेलेबल हैं पोरिए के पास ऑलरेडी दो बार उनको चांस मिल चुका है बेल्ट के लिए तो एज ए फैन इन ओ नॉट सो इंटरेस्टेड इतनी जल्दी बट ये दरूज फाइट मेक सेंस अगर पोरिए वैसे दरिज फाइट बुक नहीं होती है तो so, दोस्तों यह मेरे ऑप्शन कुछ जो कि हो सकता है इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा नाम है इस टाइम पर जो कि बिल्कुल आता हो सामने कि हाँ ये नेक्स्ट है बुट यू नेवर नो लाइक एस एड ये फाइट जो है ये बहुत पास है अभी गिची वर्ष फेजीव सो मे बी यहाँ से कुछ धमाका हो यू नेवर नो बट वी विल वेट वी विल वेट अभी बहुत फ्रेश है आ, लोग बात कर रहे हैं कि शायद री मैच हो, होगा नेक्स्ट वी विल सी अब तक तो कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही है यू सी की तरफ से बट वी विल सी दोस्तों एनी वे ये था मेरा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वाट डू थिंक हु डू यू थिंक शुड बी नेक्स्ट फॉर इस्लामा का चेब मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय